दोस्तों 22 तारीख को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना है और उससे पहले भारत की केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। इस फैसला से तमाम जो ऑफिशियल मेंबर्स जो हैं, जो ऑफिस में काम करते हैं, वो लोग खूब खुश होंगे। भले उनको अयोध्या जाना है या नहीं जाना है, भले उनको राम मंदिर से लेना देना है या नहीं लेना देना है, वो वहां जाना चाहते हैं नहीं जाना चाहते हैं, तमाम लोग बड़ा खुश होने वाले हैं। खुशी की वजह यह है क्योंकि भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है कि 22 तारीख को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दरमियान लोगों की मांग है कि उन्हें छुट्टी दी जाए, और इसलिए भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। फैसला यह है कि आधे दिनों की छुट्टी दे दी गई है, 2:30 बजे तक आप तमाम लोग छुट्टी पर रहेंगे, मतलब अपने घर में रहिए और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को देखना है तो उसे देखिए, या फिर आपको जो देखना है लैपटॉप खोलिए, मोबाइल खोलिए और आराम से जो देखना है वो देख सकते हैं। सोशल मीडिया पर इसको लेकर के अभी जानकारी जो है वो साझा कर दी गई है। आपको बता दें अभी एक पोस्ट सामने आया है जिसमें ये लेटर जो है केंद्रीय सरकार का वो सामने आ गया है। ड्यू टू ओवरवेलमिंग सेंटिमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज एंड द रिक्वेस्ट फ्रॉम देम, सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंसेस हाफ डे क्लोजिंग टिल 2:30 PM ऑन 20 जनवरी 2024 एट ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस, सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस एंड द सेंट्रल इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट थ्रू आउट इंडिया ऑन द ओकेजन ऑफ राम टेम्पल प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, मस्ती से छुट्टी इंजॉय कीजिए, 22 जनवरी को छुट्टी मिल रही है और द रामलला प्राण प्रतिष्ठा एंड अयोध्या विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 22 जनवरी 2024 टू इनेबल एम्प्लॉयज टू पार्टिसिपेट इन द सेलिब्रेशंस। इट हैज बीन डिसाइडेड दैट ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज, सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस एंड द सेंट्रल इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स थ्रू आउट इंडिया विल बी क्लोज्ड हाफ डे टिल 14:30 hours ऑन 2022 जनवरी 2024। तो ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ऑल मिनिस्ट्रीज Departments of the Government of India may bring the above decision to the notice of all concerned. मतलब अगर वो लोग चाहेंगे तो कह देंगे कि नहीं भैया पूरे दिन आओ, लेकिन सरकार ने ये फैसला सुना दिया है। देखिए भैया एक बात समझ लीजिए, राम मंदिर जो है वो एक आस्था की चीज़ है, लेकिन गवर्नमेंट इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व है और भारतीय जनता पार्टी केंद्र में, और आप तमाम लोग जानते हैं कि बीजेपी की राजनीति धर्म के आर पे चलती है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है इसको लेकर के भारतीय गवर्नमेंट ने डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रवीण जरगर जी जो है उन्होंने एक नोटिस जारी कर दिया है और छुट्टी मिल रही है। तो ज़्यादा इस पर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, मस्त छुट्टी को एंजॉय कीजिए। आपको प्राण प्रतिष्ठा में जाना है वहां जाइए, देखना है देखिए, वरना 2:30 बजे तक आपके पास वक्त है, छुट्टी का आनंद लीजिए, देर से उठिए, जो करना है कीजिए। आप तक यह खबर पहुंचाना हमारा काम था, हमने सोचा कि आपको यह खुशखबरी जरूर दे दे। बने रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ, आगे हम आपको देते रहेंगे और भी अपडेट। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।